छेड़खानी का विरोध करना लड़की के परिवार वालों को पड़ा महंगा। बदमाशों ने जमकर कर दी बुजुर्गों की पिटाई। मामला है चेवाड़ा थाना क्षेत्र के कुशोखर गांव का, जहां बिरजू पासवान की पुत्री पुन्नी कुमारी का दुपट्टा बदमाशों ने खींच लिया और छेड़खानी करने लगे। इसकी सूचना जब पुन्नी के बुजुर्ग माँ बाप को लगी तो वे बदमाशों के घर शिकायत करने पहुंचे। बस क्या था, फिर उल्टे ही बदमाश के परिजन अपने लफंगे बेटे को समझाने के बजाय शिकायत करने आए पुन्नी के बुजुर्ग माँ बाप को जमकर धो डाला। घटना में पुन्नी के पिता बिरजू पासवान और मां के सरबा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा शेखपुरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां बुजुर्ग महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल के परिजनों ने बताया है कि मारपीट करने में शामिल अजय राम, श्याम राम, मधु कुमारी, प्रिया कुमारी, रिंकू देवी और उसकी माँ भी शामिल है। घटना का कारण छेड़खानी का विरोध करना बताया जा रहा है। वहीं चेवाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांजा भांग पी ले रहा है, तेरा एगो बेटी है, ते जा रही तो ओढ़नी खींच ललकी। ते दोनों परानी ओकर घर चेतावे गले त ईटा पत्थर से लाठी से मारे लगले। तीन गो बेटी, एगो माई, एगो बेटा। बेटवा लाठिया से मारलकै आ बेटिया को ईटा पत्थर चलाते। एकरा बोले के मौका नहीं दे के मारा। मारा के अजय राम। अजय राम तीन गो बहन, एगो शादी शुदा बच्चा वाली, दू गो कुमारे, एगो माही, पांच परिवार सब मिल के मारा। हाँ, सब मिल के पांचों परिवार। मतलब छेड़खानी का विरोध किए थे? हाँ, विरोध कर ले गए कि हमारा बेटी ओढ़नी क्यों खींचा, उसको घर चेताने दिया और वो लोग मारना शुरू कर दिए। बोलने फिर इसको मौका नहीं दिया। वही मामला है, वही लड़की को नहीं मतलब छीन लिया, वही मतलब ये समझावे तो वही मतलब मारने लगा, लड़का पत्थर चलाने लगा, गुंडी छीट दिया वहाँ पर, मतलब सब काम। किसकी लड़की के साथ छेड़खानी? हमारा लड़की से। आपकी लड़की जी? कौन छेड़खानी किया था? छेड़खानी वो नहीं दे दिया। कौन किया था? कौन का लोग? वही नाम बची थे, अजय। तो क्या अजय मांझी? अजय रमानी। रमानी कौन गांव का घटना है? कुशोखर। तो थाना उना में शिकायत किए हैं जी? नहीं, यही थाना आए हैं जाने पर। हम तो गरीब आदमी हैं सर, मतलब हम लोग कमाता है खाता है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।